देखिए मेरे इतने साल के करियर में कभी मेरे किसी फिल्म पे ये इल्जाम नहीं लगा मेरे छोटे से छोटे बड़े से बड़े काम पे कि वो किसी की नकल है। और इतना अनफॉर्चुनेट रहा है क्योंकि इस फिल्म के को करने का जो पूरा आइडिया था, अगर शिरीष भी मुझे आपको बताएंगे कि पूरा आइडिया शिरीष को मैंने कहा था कि शिरीष हम लोग करते हैं, क्योंकि फराह खान की यहां लंच का पार्टी थी लास्ट ईयर जुलाई में ईद की पार्टी थी। उस दौरान में मैंने इनको कहा कि आप भी कुछ करना चाहोगे इसके लिए, तो उन्होंने कहा कि यार बहुत बढ़िया आइडिया है लेकिन मेरे पास में जो है वो कम उम्र के कैरेक्टर के लिए है, तो इसलिए मुझे नहीं पता कि यार अभी मेरे दिमाग में कुछ अभी आ नहीं रहा है। तो मैंने कहा कि यार मुझे पढ़ा दो, उन्होंने कहा एक मिनट मैं उसको एक तुम्हारे एज में कन्वर्ट करके फिर मैं तुमको करके मैं देता हूं। तो कोई भी आदमी, मतलब हम लोगों की बातें इस तरह से चल रही थी, वो शॉर्ट फिल्म बनाने वाले भी नहीं थे। तो मेरे लिए ये हर्टफुल इसलिए हुआ क्योंकि चीजें तो मेरी तरफ से शुरू हुई, मैंने सब कुछ अपने सामने होते हुए देखा है और अचानक कोई आके कह रहा है कि आप चोर हैं। यहां तक ही नहीं, ट्विटर पे मुझे अनाप शनाप बोला गया, ट्विटर पे हम सबको अनाप शनाप बोला गया, फेसबुक पे कोई भी आकर के कुछ भी गाली दे रहा है आपको। और हमारे उस काम के लिए जिसको इतनी बड़ी सफलता मिल रही है, हमारे उस काम के लिए जिसकी व्यूअरशिप लगातार बढ़ती जा रही है, कोई ऐसा व्यक्ति आके बोलता है जिसका 1500 भी नहीं हुआ है मई से लेकर के व्यूअरशिप, हमारी एक दिन में 10 लाख हुई थी। तो आप ये समझ सकते हैं कि इसके पीछे कितनी हमारी मेहनत गई उसकी स्क्रिप्टिंग में जो कि मेरे सामने हुई है, उसके प्रिपरेशन में, उसके पोस्ट प्रोडक्शन में हमने इतना सारा समय दिया है, उसको फीचर फिल्म से कम की तरह से शिरीष ने उसको नहीं ट्रीट किया था। इतना सब करने के बाद हम आते हैं, उसके बाद अचानक से ट्विटर पे देखा कि एक कंट्री वर्सेस दूसरी कंट्री का बैटल शुरू हो गया और उसमें कई तरीके के इल्जाम दूसरी तरफ बॉर्डर के दूसरी तरफ से हमारे ऊपर आने लगे, शिरीष की तरफ आने लगे। आई वॉज फीलिंग बैड फॉर शिरीष कि फॉर नो फॉल्ट ऑफ हिज ही वॉज बींग विक्टिमाइज्ड बाय समबडी अटरली एम्बिशियस क्रुक।